साहब सभी लोग, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मानशु उपाध्याय, न्यू गाइस वाचिंग यंग लिफ्टर। सो गाइस, आज है हमारा डे 10 of 75 हार्ड। हर दिन की तरह नया दिन फिर से शुरू होता है गाइस। और आज हमने सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट ना करके, अभी हम मॉर्निंग में ही कर रहे हैं, 8 बज रहे हैं अभी। सो मॉर्निंग में ही आज हम वर्कआउट करेंगे, 8 बज रहे हैं। तो हाँ, मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे, जिम में जाकर डेडलिफ्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ी वीडियोस वगैरह निकालनी है तो वो भी बनाएंगे, बाकी सुबह के क्लिप्स देख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जिम चलते हैं, तुम्हें दिखाते हैं फिर जिम में क्या करता है। मॉर्निंग की फर्स्ट मील होने वाली आलू की सब्जी है, बनाना शेक है और पराठे, और ये घी में बने हैं। ये ऊपर जो है ये घी है। सो ओके गाइस, इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं, मतलब इंस्टा पे भी एक बार भाई ने बोल दिया था, एक भाई ने, कि भाई इसमें ऑयल तो नहीं है। तो मैं, भाई ऑयल नहीं है, इसमें घी है बस, ठीक है। घी में ही बना है, घी में ही है, ठीक है। अभी खाते हैं, फिनिश करते हैं, फिर निकलते हैं जिम। पॉमीग्रेनेट जूस तो नहीं पीऊँगा, बीटरूट जूस पीऊँगा, बीटरूट जूस पी के चलेंगे। ओके गाइस, सो गाइस अभी आ चुके हैं जिम में। आज हम करेंगे डेडलिफ्ट और शूट करेंगे थोड़ी वर्कआउट वीडियोस। तो अभी चलते हैं और शूट करते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं घर। हो चुका अपना डेडलिफ्ट कंप्लीट, अभी हम करेंगे वर्कआउट वीडियो की शूट, जो हम डालेंगे इंस्टाग्राम पर रील्स, जो कि आपको दिख जाएंगी। इंस्टा की आईडी है मेरी, जो इंस्टा भी बोलोगे, ठीक है। बाकी प्रोग्रेस भी देखो आज की। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं, ज़रा फ़ोन का कवर चेंज करवाने, और फ़ोन पे थोड़ी सी साइड से लेमिनेशन भी करवानी, क्योंकि एप्पल के जो साइड के होते हैं वो थोड़े छिल जाते हैं फ़ोन के, तो उसको लेमिनेट करा दूँगा अभी, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्क्रैच वैच नहीं आएंगे उस पर। सो अभी चलते हैं, अपनी फ़ोन की केयर भी ज़रूरी है गाइस। सो पहले फ़ोन ठीक करते हैं, पहले अच्छे से साइड से कवर ओवर लगवाते हैं इसका, ताकि स्क्रैच वैच ना आए। लेट्स गो। नेक्स्ट मील हमारी होने वाली है जो है फ्राइड राइस, इसमें थोड़े पनीर, और बाकी पनीर ऊपर से डालूंगा, अभी डाला नहीं मैंने, नॉर्मल पनीर डालता हूँ, तो अभी ऊपर से डालूंगा पनीर। और बाकी ये बना है अपना घी में, ये भी ठीक है, और अपना लस्सी है हमारे साथ, और ये है हमारे आम, आम सबसे बढ़िया चीज़। सो गाइस फिनिश करते हैं अपना खाना पीना, देन आपसे मिलते हैं गाइस, लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं खाने जा रहा हूँ पोमीग्रेनेट्स। आज के दिन मैंने अपनी थोड़ी डाइट को आराम दिया है,
जैसा कि आपको मेरी डाइट में आज दिख रहा होगा कि मैं बहुत हल्का खा रहा हूँ, उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है इसको भी फंक्शन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे हमारी बाहर की बॉडी वर्कआउट करती है तो दिखता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारी जो अंदर की बॉडी है इसको भी मेहनत करने का टाइम लगता है, इसको भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारी सारी प्रोसेसेस रुक पाती हैं, चाहे डाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो मेरा जैसे एक साइंटिफिकली तरीका बताऊँ, साइंटिफिक तरीका बताऊँ, अगर तुम्हें अपनी डाइजेशन भी ठीक रखनी है और डाइजेशन को मेंटेन रखना है और ख़राब ना डाइजेशन, उसके लिए एक चीज़ बताऊँ तो 15 से 20 दिन पे या 10 से 12 दिन पे एक दिन ऐसा लिया करो जिस दिन डाइट बहुत लाइट कर दो और ज़्यादा फ्रूट मैक्सिमाइज कर दो डाइट में, और खाने वाली चीज़ें थोड़ी कम कर दो और फ्रूट ज़्यादा कर दो, ताकि तुम्हारे डाइजेशन, तुम्हारी जो अंदर की बॉडी है उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिले, थोड़ा रिकवरी का टाइम मिले कि वो भी रिकवर हो जाए और फिर से तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा ग्रोथ से वो वर्क करे। सो ये है इसका मेन साइंटिफिक रीज़न कि आज मैं थोड़ा हल्का डाइट ले रहा हूँ। तुमने मॉर्निंग से अभी तक देखा ही होगा, खाली मैंने जूस पिया, एक टाइम खाया है, दो टाइम खाया होगा, राइस खाए थे जो, ठीक है, उसके साथ भी मैंने फ्रूट्स खाए थे, ठीक है, अभी भी फ्रूट्स खा रहा हूँ, खाली आलू नहीं खा रहा आज क्योंकि आलू बहुत गर्मी कर रहे हैं मेरे को, तो कभी आज के दिन अगर मैंने सोचा था कि कम करना तो आज मैं आलू हटा दिया, ये सीन है। ठीक है, बाकी आप समझ जाओ ये फ़ायदे की चीज़ है, साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, कोई बताएगा भी नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बताएगा, बट ये तरीका है अपनी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। गाइस, अपना 4 लीटर से ज़्यादा ही पानी ख़त्म हो चुका है एज ऑलवेज, क्योंकि तुम्हें बता रखा है मैंने मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ। ये बॉटल अगर मैंने उठा ली 1/2 लीटर वाली तो समझ जाओ कि मेरी 4 लीटर कप के पार हो चुके हैं। अब बस मैं ऐसे ही पिए जा रहा हूँ, 4 लीटर पार करके पिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्यास ज़्यादा लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना वर्कआउट भी है दो टाइम, डाइट भी है थोड़ी हैवी, तो इसलिए दब के पानी पी रहा हूँ, क्योंकि नहीं पीऊँगा तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं उसकी, गर्मी हो जाएगी शरीर में, दाने हो जाएंगे शरीर में अगर ज़्यादा पानी नहीं पीऊँगा तो, सो इसलिए पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है, आप भी पिया करो। ठीक है, बस यही बता रहा था मैं, बाकी अभी आगे चलते हैं। अभी ना हम ना आए हैं ऑस्कर को घुमाने, है ना ऑस्कर, ये आज का अपना डिनर, अभी खा रहा हूँ भाई। सो अभी डिनर करते हैं गाइस, उसके बाद बुक रीड करनी है क्योंकि मैं दिन में आज बुक रीड नहीं कर पाया, थोड़ा काम वाम था इसलिए बुक रीड नहीं कर पाया दिन में। तो गाइस खाना लगा, खाने की कोई इज्जत नहीं है, अंदर बैठे रहना है, खाना यहाँ पड़ा हुआ है, बस वीडियो बना लो भाई, वीडियो बनवा रहा हूँ बस पर। सो गाइस अभी डिनर करते हैं, ये सारा स्क्रिप्टेड था। नहीं भाई मैंने कोई कैसे ऐसे नहीं लिया। सो गाइस अभी ये डिनर कंप्लीट करते हैं, फिर बुक रीड करते हैं 10 पेजेस, फिर आज के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तेज बोलो भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। Guys, that's all for this vlog. I hope कि आपको ये vlog बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना, और हम फिर से मिलेंगे कल न्यू vlog के साथ। चलन गाइस, कीप वर्कआउट एंड स्टे हेल्दी। जय श्री राम।